तरह ये सूरज रोज तुलू होता है, इसी तरह सैकड़ों कहानियां रोज जन्म लेती हैं। शहरों की कहानियां, लोगों की कहानियां, रिश्तों की कहानियां और मोहब्बतों की कहानियां। मोहब्बतों की कहानियां जिन्हें हम छुपाकर दिल के तहखानों में रखा करते हैं, या पुराने कागजों के साथ सूखे हुए फूलों के दरमियान तालों में कैद कर दिया करते हैं। इन कहानियों के बारे में ये भूल जाते हैं कि तालों में छुपी हुई मोहब्बतें अक्सर फासलों में बदल जाया करती हैं। रिश्ते और मोहब्बतें तो नाजुक बेलों की तरह होती हैं। फासलों की धूप या फरामोशी का अंधेरा, दुनिया के उसूल और वादों के पत्थर इन बेलों को रास नहीं आया करते। मोहब्बतें, दोस्तियां, रिश्ते और प्यार तो अमानतें हैं। इन्हें उन लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी होता है जो मुंतजर है कि जाने कब कोई पैगाम आ जाए, कोई खुशी की खबर आ जाए। सब खैर तो है? सब खैर है। ये पकड़े केक और मोमबत्तियाँ, बाकी चीजें आपने बना ली? ये केक, ये मोमबत्तियाँ, ये फूल, आज है क्या? भूल गई ना, ये जो सात बादामों और काली मिर्चों वाला नुस्खा मुझ पे आजमाया ना आपने, अपने मामले में क्यों भूल गई? मैं कहाँ भूली हूँ। वैसे ये बताओ, ये आज है क्या? जारा की बर्थडे। मुझे याद था, ये तुम जो चिल्लाती भी अंदर आई हो ना, बस मेरा दिमाग भूला गया। आप जारा को भूलती जा रही हैं। मैं बिल्कुल जारा को नहीं भूल सकती, तुम्हें पता है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है और मेरे आंख का तारा है वो। और क्या हुआ, मेरी आंखों से होजल है, पर मैं उसको मतलब महसूस करती हूँ अपने दिल में हर वक्त बेटा। इसीलिए तो मैंने उसके लिए ना आलू की चाट, कबाब और उसकी पसंदीदा पुडिंग बनाने वाली हूँ। बीबी जल्दी से बनाए, और आने को तो बुलाए ना, एक तो मैं सब कुछ छोड़ के भागती भी आई हूँ। पानी तो पिला दीजिएगा। भागती में मैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं बीबी, आनी का है। अरे बेटा, वो तो बाबली होती फिर रही है, हर चीज बाहर अंदर बाहर निकाल के रख रही है। क्यों? अरे बेटा, वो हैरानी है ना, उनकी कोई किताब गुम हो गई है, और उन्होंने तो ऐसे कमरे से बाहर निकल के तंज के तीर चलाए है ना कि उसको होश नहीं है। उसने तो अलमारियां तक खाली कर दी है। किताब मिली? हाँ बेटा मिले, उस बदनसीब के बैग में से। वहाँ कैसे पहुंचे? बेटा वो ना अपना, हो सकता है स्कूल की किताबों के साथ वो उसमें चली गई हो। मैं उनसे फोन करती हूँ। मैं फोन करती हूँ बीबी, आप मेरी जरा पानी प्लीज ला। ठीक है। हाँ सनिया, आ गए? तुम्हें तो बीबी ने सब कुछ बता दिया होगा, मुझसे क्या पूछ रही? तो क्या जरूरत थी इस तरह पूरे घर को उलटने की? मेरा इंतजार कर लेती, मैं आके आपकी मदद कर देती। अरे उन्होंने तो ऐसी आग लगाने वाली बात की थी कि मैं जल गई। क्या कहा उन्होंने? कहने लगे, अगर जिंदगी में तुम इनकी इज्जत कर लेती तो आज तहजीब याफ्ता होती। तुम हंस रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी शक्ल नजर आ रही है। तो फरहान अंकल की बात पे गुस्सा क्यों आया? तो क्यों ना बुरा लगे? आनी, 10 साल हो चुके हैं इस बात को, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अच्छा, आप आ रही हैं, जल्दी से आएं। कहाँ और क्यों? जारा की बर्थडे, डाइनिंग रूम में आए, केक काटना है। आप भी भूल गई? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई। आज कल तो मुझे अपना नाम तक नहीं याद रहता, मैथ्स का सवाल बन के रह गई।
ठीक है बेटा आती हूँ। बस आनी अब आप जल्दी से आ जाओ। तू मुझे ये बता तू ये क्यों चीजें उठाकर ला रही है यहाँ पे? अरे आज मैं सनिया बीबी से पूछूंगी कि ये जो 10 तोहफे इन्होंने सारा बीबी के लिए जमा किए हुए हैं ये अब किस काम के? जब जारा आएगी तो मैं उसे कहूंगी सब पहन के दिखाए मुझे। ये ऊंची कमीजें, तंग पैंटों वाली सलवार और ये हेयरबैंड। 10 साल के प्रेजेंट्स मैंने जमा किए हुए बहुत संभाल के रखे हुए थे, अब उसको सब इस्तेमाल करने होंगे। इसी डर से तो सारा बीबी पाकिस्तान नहीं आ रही है। अरे सुकरातली तुझे तो सब पता है ना। अरे देखो तो सही इसको, चल मेरे साथ गोद चुकाने में चल और चल के पुडिंग बना मेरे साथ। सनिया बीबी मैं आपको बता रही हूँ इनको ना मेरा आराम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हाँ हाँ तू तो पहाड़ उठा के लाती है ना अपने सर पे, तेरा सांस भूला हुआ है। कौन सा काम करती है तू इतना जो थक गई है? और बीबी आप अरे बोनस पे चल रही है, बोनस पे। अरे इस पूरे घर को आपके बाद कौन संभालेगा है? चांदनी बस अब मारेंगी आपको, किचन में चलो चल किचन में चल। अरे मैम ये तो इतनी मुंह फट हो गई है करके बोलती, तुम इसको बर्दाश्त कैसे करती हो? नहीं बीबी दिल की अच्छी है और काम भी अच्छा करती है। अच्छा अब आप डाइनिंग रूम में सब चीजें सेट करें, मैं हाथ धो के आती हूँ। चलो सजाऊंगी ओनु दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, झलांगी पखिया बड़ा कुछ कहन गया अगया। अरे अगर इस तरह गला फाड़ फाड़ के गाएगी ना तो एक माही नहीं पूरी फौज आ जाएगी। बीबी खुदा की कसम आपने तो सारी की सारी जिंदगी चूल्हा हांडी करके अपनी टैलेंट बर्बाद कर दिया। अरे किसी स्कूल कॉलेज में उर्दू की उस्तानी लगी हुई होती तो आज कम से कम इज्जत से तो मरती। आपका जो खानदान है ना उसने तो सर ऊंचा करके सबको यही बताना था कि हमारी मासी उस्तानी मरी, लेकिन अब क्या वो कहेंगे? अब वो कहेंगे कि हमारी मासी मासी थी और मासी मर गई। खबरदार मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि ये मरने मराने की बातें ना किया कर, कोई भी वक्त ना बुरी घड़ी हो सकता है। बीबी जी मेरी तो सारी की सारी जो दुआएं ना वो कबूल हो जाती हैं, लेकिन ये ही दुआ है जो कबूल नहीं होती। खबरदार मैं तुझे एक लगाऊंगी कंबल, मैं तेरी शिकायत लगाती हूँ सनिया बीबी से। सनिया सनिया बेटी सनिया बेटी जल्दी आओ। हाय हाय फिर से आप दोनों लड़ रही हैं। अरे बेटा या तो इसको रुस्खत करो या मुझे। हाय हाय रुस्खत है फिल्म की बारिश, अरे रुस्खत करने का वक्त इनका इनका मेरा नहीं। सनिया बाजी आप बदतमीज, आने दो आनी को, उनसे कह के तुम्हारे अब्बा को बुलवाती हूँ। अरे किसके अब्बा को बुलाया जा रहा है सनिया? जल्दी से केक काट लो बेटा वरना फरहान को फिर मेरी याद आ जाएगी। तो क्या फिर से नहीं आ रहे वो? बेटा मैंने उनसे पूछा था, कहने लगे कि सालगिरह का मतलब है कि एक साल जिंदगी का कम होना और ये अफसोस की बात है, इसमें खुशी मनाने का कोई मौका नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊँ। हाय तो अफसोस मनाने ही आ जाते हैं। माफ कर दो सनिया मुझे 2 मिनट के लिए मुझे यहाँ सुकून से बैठने दो, उनके लिए केक और ये पुडिंग कमरे में ले जाना। बेटा ये केक आज ही कटेगा या फिर मैं इसको स्टोर करवा दूँ अगले साल के लिए? चले बीबी आप छुरी तो दे ना, चले ओके। And happy birthday to you, happy birthday dear गा, मेरी माही आवेगा happy birthday भी गा, happy birthday happy birthday बस 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 ना हाँ जी अल्लाह मेरी बच्चियों को सलामत रखना, उनको सेहतमंद रखना और उनको दोनों को आपस में खुशियां मनाने का मौका देना मेरे अल्लाह। आमीन आमीन। जुबी बेटा वैसे हम आज जारा को खुद ना फोन कर लें, बड़ी याद आ रही है मुझे उसकी। नहीं बीबी जारा की खामोशी की जो भी वजह, आई एम श्योर शी नोज कि हम हर साल उसकी बर्थडे ऐसे ही मनाते हैं और उसे यकीन है कि हम उसकी खामोशी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और तुम क्या समझती हो? कि जारा कह रही है कि थोड़ा सा इंतजार कर लो मैं खुद फोन करूंगी। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, पता नहीं मैं। बीबी कोई बुरी बात नहीं सुनो, केक खाए ना बीबी केक। सुनिया इस वक्त क्या हो रहा होगा? आई थिंक 7:45 होंगे, इस वक्त जागरी होगी। पता नहीं उसकी बच्चियां कैसी होंगी,
वो भी जारा की सालगिरह इसी तरह मनाती होंगी जैसा तुम रेगुलरली मनाती हो। आई एम श्योर मनाती होंगी। जारा को ब्रेकफास्ट इन बेड देती होंगी, फिर दोपहर को लंच बाय द लेक, और फिर शाम को किंग कॉन्ग की पार्टी। अरे अरे को खुदा का खौफ कर, क्यों ऐसी नजर डाल रही है इसमें? मिल जाएगा खाने को तुझे। अरे खुदा का खौफ करे बीबी, नियत तो आपकी फिसल रही है, केक को देख देख के मुझ पे इल्जाम लगा रही है। हाँ, सर, सर, सन्या भी मैं आपको बता रही हूँ, इनको जल्दी से केक दे दे वरना कुछ ना गिर जाएगा। हाँ सॉरी धोके लिया, अच्छा भाई आ रही हूँ, आ रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बीबी बोल रही हैं? हाँ मैं बीबी बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? जैन, जैन मेरे बच्चे, मैं सद के जाऊँ जैन, तुम कैसे हो? अब मेरी जारा कैसी है? बीबी ये बताएं कि सनिया कहाँ है? मतलब सनिया वो थोड़ी सी देर के लिए बाहर गई है। और आनी कहाँ है? अरे बेटा आनी के बिना हाथ पे दूध गिर गया गरम गरम, वो जरा धोने गई है हाथ को। अरे मैं सद के जाऊँ मेरे बेटे, जैन मेरे बच्चे, मैं सद के। बेटा तुम कैसे हो? तुम सब लोग ठीक हो ना? और मेरी सारा, मेरी सारा, बेटा मेरी जारा से जरा सी बात तो करा दो। इतने अरसे से मैंने उससे बात नहीं की, उसकी आवाज नहीं सुनी मैंने। आनी से कहिएगा कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या तुम लोग सब यहाँ आ रहे हो? गाड़ी भिजवा दीजिएगा, सनिया को मैं फ्लाइट डिटेल्स भिजवा दूँगा। अरे गाड़ी क्या, हम सब लोग जो है ना बैंड बाजा लेके तुम लोगों को लेने आएंगे जरूर। जैन, हेलो जैन, पता नहीं कट गया फोन। कौन? अरे सारा आ रही है, सारा सारा मुझे कुछ क्या सुबह की क्या स्टडी में नमाज पढ़नी है। अरे सारा आ रही है, सारा कहाँ है? कह तो नहीं उस स्टडी में नमाज पढ़नी है। बीबी क्या बात है? फोन आया। आपने फिर किस रिश्तेदार को बुला लिया होगा? नहीं नहीं बेटा, फोन आया, मेरी बच्ची आ रही है। इतने अरसे बाद मेरी बच्ची आ रही है, मेरी सारा आ रही है। क्या? किसका फोन था? अरे सैन मिया का फोन था, वो कह रहे थे कि हम जल्द आ रहे हैं। तुम्हें बेटा इतने अरसे के बाद मैं अपनी बच्ची को देखूंगी। बड़ी अच्छी खबर सुनाई यार। कौन आ रहा है दीदी? सनिया, सनिया, can you believe it? जारा आ रही है, जारा, जारा, हाँ, जारा, किसने कहा? अरे बेटा जैनिया का फोन आया था, जल्दी आ रहे हैं वो लोग। नहीं दीदी, चांदी से कहिए कि गेस्ट रूम खुलवाए, सफाइयाँ शुरू कर दी जल्दी से। सारा फोन मैंने खुद सुना है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था वो फोन करेगी बीबी, मैंने कहा था ना। मुल्ज़िम फरहान को पेश किया जाए। ऑर्डर, ऑर्डर।
अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। आपके लिए पुडिंग। ये मुझसे उम्मीद ना रखिएगा कि मैं आपको खिलाए बगैर चली जाऊंगी। दो सवाल पूछने आपसे। पहला ये कि आप अपने हाथों से खाएंगे या मैं आपको खिलाऊं, और दूसरा आप ज़ारा की बर्थडे पे क्यों नहीं आए? तुम्हारे दोनों ही सवाल फजूल हैं, और तुम्हें अगर उसके जवाब अब तक नहीं मालूम तो तुम अपनी ज़हनी अहलियत का टेस्ट करवाओ। मेरी ज़हनी अहलियत के मुताबिक इंसान और उसकी फितरत बदलती रहती है। मुझे ये नहीं समझ आया फरहान अंकल कि आप इन 10-12 सालों में एक ही जगह क्यों रुक गए? हम ये बहस पहले भी कई बार कर चुके हैं। तुम चाहो तो ये चीज़ें वापस ले जा सकती हो। जी नहीं, मैंने आपको कहा है कि मैं खिलाए बगैर नहीं जाऊंगी। बहस इंसान को मजीद जिद्दी बना देती है। अब इससे ज्यादा जिद क्या होगी? इसको यहीं रहने दो, मैं खुद खा लूंगा। फरहान अंकल, मैं तुम पर गुस्सा करना नहीं चाहता। अच्छा, आपको पता है ज़ारा आ रही है? आने दे ज़ारा, ज़ीनिया और सरीना को। सारों की बिस्तरें आपके कमरे में लगवाऊंगी और उनसे कहूंगी कि आपको दिन रात कवालियां सुनाते रहें। अच्छा 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 अच्छा, धमकियां देने की जरूरत नहीं है, बैठ जाएं, मैं जा रही हूं। अगर आप इसी तरह करते रहे ना तो एक दिन हैग्रिड बन जाएंगे। ज़ारा को आने दें, वो आपको सीधा करेगी। तो क्या अभी से एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया खेमे लगा के बैठ जाएं? सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां षड़ंग करके। क्या काम कर लो या गाना गा लो। खुदा ने मुझे एक साथ दो काम करने की सलाहियत से नवाजा है, तो मैं क्यों ना गाऊं? जाने कैसी आस दिलाए, हाय हाय करे सब लड़के। ऐसे आ रहे, तुम खासे चोर हो जिसने सो रहे हो। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन मुझे अपनी इस क्वालिटी का पहले नहीं पता चला। बाय द वे, आपको कब पता चला? अब्बा अस्पताल में पड़े हैं और बेटा यहाँ बैठा हाय हाय कर रहा है। यार याद आया, मुझे एक हफ्ते की छुट्टी पर जाना है। अब्बा के ऑपरेशन के बाद ही वापस आऊंगा। मेरी तरफ से हमेशा के लिए चले जाओ, वापस आने की कतन जरूरत नहीं है। अरे तड़प तड़प कर फोन करोगी जब लंच टाइम होगा, कोई खाना लाकर भी देने वाला ना होगा। रोज ही तड़प तड़प के मरती हूँ तुम्हारी छिछोरी बातें सुनकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आ गई बुक्स? फेज 8 के स्कूल ने हमें डोनेट किए हैं। एक्सलेंट। कौन सी क्लास की है? क्लास 5 और 6। ये तो आपको पता है ना कि मलीर वाले स्कूल में जाएंगी, एंड जहाँ से आई हैं उन खातून से मेरी बात करूँगा। और आज ही, क्योंकि कल मैं लीव पे जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? लीव पे। क्यों खैरियत, बीमार बीमार हैं क्या? लीव पे जाने के लिए बीमारी जरूरी थोड़ी होती है।
शादी हो रही होगी। मोना सॉरी, वो आपका लीव पे जाना मामूली बात नहीं है ना, तो अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे। और इनका दिमाग है अफवाहों की फैक्ट्री। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी छुट्टी का क्या होगा? छुट्टी जी, वो इसके अब्बा की सर्जरी है। ओ नहीं मैम, कोई ऐसी बात नहीं है, आप आराम से छुट्टी पर जाएं, मुझे सिर्फ 2 दिन की लीव चाहिए होगी, और वैसे भी मोना है ना, सबको संभाल लेगी। मोना अगर प्रॉब्लम है तो खुदा के वास्ते शराफत से चली जाइए, ये नहीं भी होगा ना तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस आप जाइए। सलाम आपा बेगम। ये तो प्लेट बिल्कुल साफ है, लगता है किसी ने धो के रखी है। शुक्र है आपा बेगम, अगर मुझे पता होता कि आपको चने की दाल का हलवा इतना पसंद है तो मैं हर साल आपकी बस्ती पर बनाकर इसको अलमारी में रख देती, लेकिन क्या करूं, मुझे पता ही पिछले साल लगा, और वो भी उस वक्त जब मैंने इस चांदनी से ना छुपा कर अपने लिए हलवा बना के इस अलमारी में रखा था। आपा बेगम, आप मेरा एक काम करते हैं। सनिया की शादी अपनी जिंदगी में तो आप करवा नहीं सके, कम से कम मेरी जिंदगी में करवा दें। देखिए ना, ये जैन और जारा जो आ रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे फिर दोबारा। अगर उनके होते हुए ये नेक काम हो जाए तो मैं भी चैन से आपके पास आ जाऊंगा। हाँ, एक काम और है, ये जो कमबख्त है ना चांदनी बदबख्त, इसका तो कोई इंतजाम कर दें। अरे बदजात ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे कौन? चांदनी, जान जाके देख दरवाजे पे कौन आया है। कमबख्त, पता नहीं कौन आ गया इस वक्त। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे सुनिए, Je parle français? Nein. No French. Do you speak English? Nein. वही देसी के देसी रहे। क्या हो गया सनी बेटा, तुम्हारी रंगत को क्या हो गया? जहां तक मुझे याद पड़ता है चुटिया झाड़ू जैसी थी, बाकी सूरत तो काबिले को बुलती। मैं सनिया बीबी नहीं हूँ, उनकी मैड। हाँ, उनकी वजह से तो बहुत मैड हो गए। तुम फागान को बताओ कि फिगान से फकीरुद्दीन फागस आए हैं। फकीरुद्दीन फागस जी, तुम ऐसा करो, 3 बार फे 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 कहोगी बड़े मियां समझ जाएंगे। आप यहीं ठहरिएगा, देर लग सकती है। अरे वो सीधी बात आसानी से नहीं सुनते, ये तो पूरी फेक ही बोली है। That's right. आओ। बाहर आपसे मिलने आए। कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। फरहान साहब, लगता है बहुत दूर से आए आपसे मिलने, कह रहे थे कि अगर मैं आपके सामने 3 दफा फ फ फ बोलूंगी तो आपको स समझ आ जाएगा। तुमने कहा तो नहीं कि मैं अंदर हूँ? नहीं, शायद नहीं। तो कह दो कि फरहान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। जी, फरीद से फरहान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए? फरीद से फारस फरहान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए?
May I come in? हाँ हिना आओ बैठो. I have this confusion. मेरे सारे दोस्त म्यूजिक क्लब ज्वाइन करें and they were telling me to join. तुम क्या करना चाहती हो? मुझे म्यूजिक बेहद पसंद है बट मुझे बुक क्लब भी ज्वाइन करना है. अब दोनों के टाइमिंग सेम हो रहे हैं. अब ये तो हो नहीं सकता. आप प्लीज मुझे बताएं मैं क्या करूं. है ना तुम्हें पता जब मुझे यूथ सेंटर के बारे में नहीं पता था तो सब लोग मुझे कहते थे कि ये कर लो वो कर लो लेकिन मैं अपना इंतखाब खुद करना चाहती थी. फिर मैंने सोचा कि मैं वो क्या चीज करना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी भी मिले और वो मेरी अपनी चॉइस हो. और जब मैं यहाँ आई पहली दफा तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यही वो काम जो मैं करना चाह रही हूँ. सो आई थिंक अब तुम अपने अंदर झांको और इंतखाब तुम खुद ही करो. बिकॉज द डिसीजन शुड बी योर्स. बिकॉज आई एम वेरी ग्लैड दैट आई मेड ऑल माई ओन डिसीजन. कुछ समझे? श्योर? हाय हाय कैसी लहराती बल खाती सिलाई मार रही हो तुम. अरे मशीन तक तो चलानी नहीं आती मतवाली हसीना को. अरे बीबी वो कोई अमेरिका से इस कुशन की सिलाई थोड़ी देखने आ रहे हैं. और अगर इतनी सीधी सिलाई चाहिए ना तो जाके किसी मौलवी को दे दीजिए. सीधा सराते मुस्तकीम पर चलता कर देगा. आई सीन की बारिश जिस तेजी से तेरी जुबान चलती है ना अगर इसी महारत से तो इस मशीन की रफ्तार पर काबू कर लेना तो तेरा हामद भी काबू में रहेगा और तेरा नसीब भी. वाह वाह बीबी क्या मशवरा दिया है. सिलाई मशीन का जुबान से क्या ताल्लुक? अरे बेटा है ना. अरे इसकी जुबान की रफ्तार और इस मशीन की ठक ठक एक ही सुनाई देती है मुझे तो. अरे आवाज भी एक रफ्तार भी एक. अच्छा बस अब सिलाई वलाई सब कुछ खत्म काम शुरू. पूरा घर साफ करना जारा आ रही है. तुम करोगी पोचा बीबी आप करेगी डस्टिंग और मैं करूंगी झाड़ू. अरे बेटा अपना ये पूरा घर जो है ना नक्शा जमीन से निकल जाएगा साफ हो जाएगा. इतने लोगों की क्या जरूरत है. काफी है ना. चल जा जा सफाई कर ना सारी. सुनिए बीबी मैंने कोई सिरी पाओ की यखनिया नहीं पी रखी और ना ही मेरे अम्मा अब्बा कसाई थे. अरे कभी तो नमक हलाल कर लिया कीजिए. मैं जा रही हूँ फैशल कराने. शाम को करूंगी सफाई और पोचा. अरे इसकी क्या जरूरत है मैं कर दूंगी तेरा फेशियल. अरे फिनाइल की बोतल से रंग साफ हो जाएगा तेरा. कुंभपत कौन सा तेरा रिश्ता आ रहा है. सनिया बीबी आप देखिए अब ये हर वक्त रिश्ते की बातें बार बार क्यों ले आती हैं. अच्छा बस कोई फेशियल वेशियल नहीं होगा कुछ नहीं होगा. अभी सफाई होगी तुम शाम को चले जाना. चल बीबी चलो चलो मारे ये तकिए किस किस्म के हैं. अरे नीरे गुब्बारे की तरह फूले हुए. जरा सर रख दो तो चिपक जाते हैं पापड़ की तरह. इससे अच्छा है चप्पल रख लो सर के नीचे. कम से कम कुछ तो सर ऊपर होगा. मैंने तब्दील कर. नहीं बीबी क्यों वो हाथ की लकीरों को मिटाने वाली अपने फैसले पे डटी रहने वाली अगर पुरानी जारा वापस आ रही है तो ये तकिए बहुत काम आएंगे. सब कुछ याद है मुझे बेटा सब कुछ याद है मुझे. वो तुम दोनों का इन तकियों से लड़ना और मेरा तुम लोगों के पीछे भुकला के फिरना और तुम्हारी अम्मी का चीखना हाय सब याद है मुझे. काश वो दिन वापस आ जाए. तुम उसी तरह खेलो कूदो हंसो ताकि इस घर में जो सन्नाटा है उसमें बहार आ जाए. बहार दस्तक देने वाली है बीबी. बस चंद दिनों की बात है. आने दे जारा उसकी बेटियों को. वैसे एक बात पूछूं बेटा. जी पूछे. ये तुमने इतनी खामोशी से बहार का इंतजार क्यों किया? खुद क्यों नहीं बुला लिया उसे? क्योंकि बहार ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था. कैसा फैसला मैं समझी नहीं. बीबी मेरा ख्याल है कि जारा ने फैसला कर लिया था या वक्त तय कर लिया था कि इससे पहले ना वो यहाँ आएगी ना किसी से बात करेगी. और ये तो सारी दुनिया को पता है कि एक दफा वो फैसला कर लेती थी तो कोई ताकत उसका फैसला नहीं बदल सकती थी. लेकिन ये ना समझे कि मैंने उसे माफ कर दिया है. गिन गिन के बदले लूंगी. 1 2 3 4 गिन के. सनिया जी ये आ जारा के बिस्तर के पास.
जारा? बिल्कुल छोटी जारा है, कम गोर, उसी की तरह चिड़चिड़ी। बिल्कुल नहीं, जारा बिल्कुल चिड़चिड़ी नहीं थी। बिल्कुल थी आनी, अगर मैं ना होती ना तो वो अब मैथ्स की टीचर होती, जैसे अब छोटी ने खुश मिजाजियों का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है। अरे ये पिंक पैंथर कहाँ से मिला तुम्हें? ये पहला प्रेजेंट था जो मैंने उसे दिया था, यहाँ छोड़ गई और फिर सारे रास्ते किंग कॉन्ग का जीना हराम कर दिया था उसने। सुनिया, तुम्हें नहीं लगता कि तारीख अपने आप को दोबारा दोहरा रही? हाँ आनी, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ पहले हो चुका है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। आप बिल्कुल ना डरे आनी, अगर तकदीर का वो लम्हा दोबारा हमारे सामने आया ना, मैं उससे लड़ पड़ूंगी। कौन सा लम्हा? जिसके बारे में अब्बू कहते थे तकदीरें बदल देता है, वो लम्हा जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया था, वो लम्हा जब अम्मी अब्बू हमें एयरपोर्ट छोड़ के घर के लिए रवाना हुए थे। बहुत लड़ूंगी इस बार, नहीं छोड़ूंगी। फेशियल कराने चली गई है मेरे मना करने के बावजूद। आपने भी मना नहीं किया उसको। इस कमबख्त को इस घर में इसलिए रखा था कि इस भाएं भाएं करते घर में कोई रौनक होगी, लेकिन ये तो हवा डीटी निकली, एक पांव घर में एक पांव लॉन में। इसने कमबख्त ने तो इस घर को पान गली की चुरंगी बना के रखा हुआ। लेकिन बीबी वो पान खाती ही नहीं है। बीबी आप क्यों डर गई? डरना तो मुझे चाहिए। जब इंसान अकेला हो जाता है तो अपने आप से बातें करता है। जब घर भी खाली रहता है ना ज्यादा देर, तो उसमें रूहें बसनी शुरू हो जाती हैं। और अल्लाह माफ करे, इस घर में तो इंसानों के होते हुए भी बाएं बाएं करता है ये घर, इसीलिए आपा बेगम ने यहाँ ठिकाना बना लिया है। जी बीबी, अब डराने की नहीं हो रही। क्या वो इस वक्त मौजूद है यहाँ? हाँ, अभी यहाँ बैठी हुई थी मेरे पास। सिंक के ऊपर बैठी हुई है? हाँ हाँ, रूह है, जहाँ मर्जी बैठ जाए। जी नहीं, आपा बेगम की रूह कभी ऐसी हरकत ना करे। और वैसे भी कहते रूहें नजर नहीं आती। मुझे नजर आती है, मेरे हाथ का तो हलवा भी खाती है। मुझे हंसी आ रही। देखो अगर तुम हंसी ना तो वो बुरा मान जाएंगी। हाय हाय हाय, कम बखत तोबा, हवा की आंधी की तरह क्यों आती रहती है? और ये तुझे पता होना चाहिए, इस घर में ऐसे लोग हैं जिनके दिल कमजोर है। बीबी अगर आप अपनी बात कर रही है ना तो कोई इस बात का यकीन नहीं करेगा। अरे इस अबुल हॉल जैसे जिस्म में तो गाय भैंसों का भी दिल छोटा पड़ जाएगा। छोड़े, सनिया बीबी मुझे बताएं, मेरा मुंह चमक रहा है? मेरा क्या चमक रहा है सनिया बीबी? वो मेरी बात सुन, जा जाके ना पोर्च में झाड़ू मार के आ। फैशन के बाद अब समझती है कि मैं झाड़ू मारूंगी? मैं तेरा मुंह और चमकाऊं जरा? जाती है कि नहीं? चल चली जा यहां से। चंबा कर रहा है कि नहीं? हाँ तो सनिया बात हो रही थी। बहुत रात हो गई है, अभी पढ़ना बंद करें। सुबह जाना है एयरपोर्ट जारा को लेने के लिए। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम कर, इसीलिए कह रही हूँ देर से उठेंगे और देर से तैयार होंगे। भाई जारा आ रही है तो क्या जरूरी है कि हम जुलूस बना के वहां जाएं? वैसे भी जुलूस आजकल बड़े खतरनाक होते हैं, यहीं उससे मिल लेंगे। कभी तो मेरी बात मान लिया करिए। अरे क्या हो गया आपको जूबी बेगम? जारा आ रही है, मैं झूठा चेहरा लेकर झूठी मुस्कुराहट के साथ उससे मिलने जाऊं? अभी इतनी भीड़ में मुझे बड़ी वहशत होती है। देखो ना, इतने मजमे में किसी से मिलना ना मिलने के बराबर होता है। तो कभी मुझसे भी मिल लिया करिए, मैं भी अक्सर अकेली होती हूँ।
जी आनी, मैं तैयार हो गई। मैं भी बेटा तैयार हूँ बिल्कुल। आनी गिन गिन के बदले लूंगी उससे, मैं साल उसके बगैर गुजारे। अंकल फरहान नहीं आ रहे? नहीं बेटा। मैं पूछूं? ट्राई करके देख लो। फरहान अंकल, आप वाकई हमारे साथ नहीं जाएंगे एयरपोर्ट? मैं बता चुका हूं कि मैं नहीं जा सकता। खैर जा तो आप सकते हैं लेकिन जाएंगे नहीं। क्यों? पूरा जुलूस जाएगा और आजकल जुलूस लेके कहीं जाना खतरा हो सकता है। और दो खूबसूरत औरतों का आधी रात को निकलना खतरे की बात नहीं है? खतरा खुद अपनी जात के लिए खतरा नहीं होता। जारा क्या सोचेगी अगर उसने पूछा कि आप क्यों नहीं आए, तो हम क्या बताएंगे उसे? भाई मैं अपने फेल का खुद जिम्मेदार हूँ, वो अगर मुझसे पूछेगी मैं बता दूंगा। ओके ओके। क्या हुआ, क्या कहा? एक नया फलसफा था। अच्छा। कि खतरा अपनी जात के लिए खतरा नहीं होता। आनी अगर आप इनकी बातों को नोट करें ना तो खासी अमीर हो सकती हैं आप। सरिया मैं आधी पागल हो चुकी हूँ, पूरी भी हो जाऊंगी। छोड़ो उनको। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा ज्यादा दिल ज़ारा से मिलने को चाह रहा है या बच्चों से? ज़ारा से। मेरा बच्चियों से। चले सो। कौन आ गया? हक्का किंग कॉन्ग। What happened? तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आनी? Just leaving for the airport. सरीना, जीनिया। माशाल्लाह, बड़ी हो गई ना? ज़ारा कहाँ है? बेरुशी? अब यही ज़ारा है। मैं जो अकेली रह गई, ये ज्यादती की बात नहीं। आपको भी समझने में वक्त लगा था अबू। जीनिया अब यहाँ शुरू मत हो जाना, ये लोग ऑलरेडी परेशान हैं। इन लोगों को कोई हक नहीं है अम्मी के बारे में सच जानने का।